गाजा में इसराइल की ताबड़तोड़ बमबारी के बीच फलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने दो और बंधकों को रिहा कर दिया है। ये दोनों बुजुर्ग इजरायली महिलाएं हैं। आतंकी समूह ने कहा कि मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद मानवीय आधार पर और खराब स्वास्थ्य को देखते दोनों को रिहा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हमास की सैन्य इकाई के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि उसने पिछले शुक्रवार को ही इन दोनों महिलाओं को रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन तब इजरायल ने इन्हें लेने से मना कर दिया था। इससे पहले हमास ने शुक्रवार को दो अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था जो माँ बेटी हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था और आतंकी समूह ने सैकड़ों लोगों का बंधक लिया था। अभी उसके कब्जे में कम से कम 220 बंधक हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी की कई दिनों से घेराबंदी करने के बावजूद जमीनी कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल अमेरिका ने जमीनी हमले में देरी करने की सलाह दी है ताकि उसे हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराने के लिए बातचीत करने का मौका मिल सके। इससे गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने का भी मौका मिल जाएगा। वहीं अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह चिकित्सा मदद को नुकसान न पहुंचे ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए इजरायल से बातचीत कर रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता इजरायल को हमास आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूत बनाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि गाजा के लोगों को मानवीय सहायता मिलती रहे। उन्होंने कहा, हम अमेरिकी नागरिकों सहित उन निर्दोष लोगों को गाजा से सुरक्षित निकालना चाहते हैं जो गाजा छोड़ना चाहते हैं। किर्बी ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने गाजा में जमीनी हमले के बारे में खुलकर चर्चा की, लेकिन इसका समय और अन्य जानकारी इजरायली अधिकारी ही साझा कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी किर्बी ने कहा कि इस समय मानवीय सहायता, भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है और जल्द से जल्द गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति की जानी चाहिए। इजरायली सेना जमीनी आक्रमण करे या नहीं, हमास और ईरान के संबंधों पर जॉन किर्बी ने कहा कि हमें पता है कि हमले में ईरान की मिली भगत है। ईरान कुछ दशकों से हमास का समर्थन कर रहा है और ईरान के बिना हमास का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वह खुद से कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। लेकिन हमें जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं यह नहीं कह सकता कि 7 अक्टूबर के हमले में ईरान शामिल था या हमास को निर्देशित कर रहा था। फिर भी इस बात से किसी को भी संदेह नहीं है कि ईरान उस क्षेत्र में गलत गतिविधियों में शामिल है। ईरानी समर्थित प्रॉक्सी समूहों की तरफ से रॉकेट और ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी के बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाएगा, लेकिन वह इसराइल हमास संघर्ष का विस्तार होते नहीं देखना चाहता। इसके अलावा अमेरिका कतर समेत अन्य मध्यस्थों के जरिए बंधकों को रिहा कराने की कोशिश कर रहा है। कतर के प्रयास से ही हमास ने पिछले हफ्ते दो अमेरिकी बंधकों, मां बेटी को रिहा किया था। अभी हमास के कब्जे में 222 नागरिक बंधक हैं, जिनमें अमेरिका समेत कई देश के लोग शामिल हैं। जमीनी हमले में देरी होते देख इसराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कि हमास के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह किया जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।